हम लोग देखेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने एक्सरसाइज 1H का 6वां क्वेश्चन तक का आप लोग देख लिया था आप लोगों ने वीडियो। तो आज हम लोग कक्षा 8 गणित का अभ्यास 1H का 7वां क्वेश्चन देखेंगे। तो 7वें में ये 4 क्वेश्चन दिया हुआ है और ऊपर लिखा हुआ अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार कर प्रत्येक वर्ग में उपयुक्त चिन्ह, ये बड़ा छोटा बराबर और ये बड़ा छोटा, इसका चिन्ह आप लोगों को इसमें भर देना है। ब्रैकेट में ब्रैकेट दिया हुआ है, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बराबर है ये भरना है। तो ऐसे तो भर नहीं सकते हैं इसको बिना साल्व किए, तो पहले क्या करेंगे, रफ पर इसको साल्व करेंगे और जैसे जो होगा उसको इसमें भरेंगे। तो एक एक बात इसमें ये ध्यान रखते हैं, ये बड़ा छोटा किसको कहते हैं और बराबर, बराबर तो आप लोग जानते होंगे कि दोनों ब्रैकेट के इधर और ब्रैकेट के इधर अगर बराबर आया तो बराबर भर देंगे इसमें। छोटा बड़ा का यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा कैसे इसको भरते हैं। जैसे मान लीजिए एक और दो लिखा हुआ है, तो दो बड़ा है एक छोटा है, तो ऐसे लगाते हैं, मतलब ये दो मुंह वाला हमेशा बड़े की तरफ रहेगा और एक मुंह छोटे की तरफ। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ हो तो हम ऐसे लगाएंगे, दो मुंह हमेशा बड़े की तरफ रहेगा, ये याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं, तो जैसे ये पहला क्वेश्चन दिया इसको हल करते हैं। तो ब्रैकेट के दोनों तरफ वाला हल कर लेंगे और जो हमारा आएगा बड़ा छोटा आएगा तो वैसे उसमें भरना है, बराबर आएगा दोनों साइड में तो बराबर भर देंगे, रफ पर ये सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं ये मॉड का क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं, मॉड से जब मॉड को हटाते हैं तो मॉड से हमेशा संख्या प्लस में बाहर निकलता है जिसको निरपेक्ष मान कहते हैं। तो हम यहाँ जब ये मॉड को हटाएंगे तो ये संख्या प्लस में 3/4 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में क्या भरना है इसको देखेंगे, इधर का पहले हम क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करना आप लोग जानते हैं, मॉड के अंदर ही पहले सॉल्व करेंगे, जब प्लस माइनस में हो परिमेय संख्या तो हम जानते हैं लॉसल एक सॉल्व करना होता है, तो इसको लॉसल लेंगे जब मॉड में ही। तो 4 8 का लॉसल 8 हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे 8 में तो 2 बार में जाएगा, 2 का -3 में गुणा करेंगे तो -6 होगा, यहाँ प्लस है। 8 से 8 में भाग करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, इधर तो सॉल्व करने वाला है नहीं, इधर थोड़ा सा और सॉल्व हो सकता है क्या, मॉड में ही ये एक संख्या प्लस में है एक माइनस में है। तो हम जानते हैं जब एक प्लस एक माइनस में होता है तो घटाते हैं, चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगाते हैं, तो 6 का चिन्ह लगाएंगे, माइनस घटाएंगे 6 में से 5, तो 1/8 हो गया मॉड में। अब हम लोग जानते हैं जब मॉड को हटाते हैं, मॉड को जब हटाएंगे तो संख्या प्लस में लिखा जाता है, तो इसको हम लिख देंगे 1/8, जबकि इधर दे दिया है कितना 3/4, इधर 3/4 है इधर 1/8 है। अब हम लोग कैसे जानेंगे इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, बराबर तो है नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं, बड़ा छोटा देखने के लिए नीचे वाला दोनों का बराबर करते हैं। बराबर करने के लिए अपने तरफ से किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं ऊपर नीचे दोनों में, जैसे यहाँ 8 है यहाँ 4 है, तो हम 4 को 8 करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 से गुणा करेंगे, तो 2 से नीचे करेंगे तो 2 से ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखते हैं, तो 3 दुना ये हो जाएगा 6 अपान 4 दुना 8। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 6/8 और ये क्या आया है 1/8, नीचे दोनों का हमारा 8 8 बराबर है, तो ऊपर वाला देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा, तो 6 1 में हम लोग जानते हैं 6 बड़ा है, इसलिए इधर वाला संख्या जो है कि बड़ा हो रहा है इधर वाला, तो हम ऐसे लगाएंगे, दो मुंह वाला हमेशा बड़े के तरफ लगाते हैं, तो ऐसे हम भर देंगे। ये रफ पर सॉल्व करना है, यहाँ केवल भर देना है, इसको देखते हैं। इसमें भी इसी तरह
दोनों तरफ का सॉल्व करके देखेंगे। पहले तो लॉसा लेते हैं, मॉड में ही लॉसा 8 और 3 का लेंगे तो हो जाएगा 24। 8 से भाग करेंगे 24 में तो 3 बार में जाएगा, 3 का माइनस 3 में गुणा करेंगे तो -9, और प्लस 3 से 24 में भाग करेंगे तो 8 बार में जाएगा, 8 का 2 में गुणा करेंगे तो 16। अब एक संख्या प्लस माइनस में होता है तो घटाते हैं चिन्ह बड़े वाले का, यानी कि प्लस लगाएंगे, 16 में से 9 घटाएंगे तो +7/24 होगा। मॉड में ही हम जानते हैं मॉड से संख्या हटाते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस का, यानी कि 7/24। इधर का मान आ गया 7/24। अब इधर वाला देखते हैं, 4 और 24 का जब लॉसा लेंगे तो 24 ही होगा, 4 से 24 में भाग करेंगे 6 बार में जाएगा, 6 का माइनस 3 में गुणा 18 हो जाएगा, प्लस है यहाँ तो प्लस, 24 से 24 में भाग करेंगे 1 बार में जाएगा, 1 का 22 में गुणा करेंगे तो 22। एक प्लस एक माइनस में तो घटाएंगे, चिन्ह बड़े वाले का प्लस रहेगा, 22 में से 18 घटाएंगे 4/24। अब देखते हैं मॉड को जब हटाएंगे तो संख्या प्लस में ही रहता है 4/24। देखते हैं दोनों तरफ, नीचे का देखिए दोनों का हर बराबर है तो ऊपर में देखते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा। तो हम जानते हैं 7 और 4 में 7 बड़ा होता है, तो इधर के तरफ 2 मुंह होना चाहिए ऐसे, तो मतलब ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, यहाँ जब देखते हैं तो दोनों तरफ यहाँ भी सॉल्व करना है, तो हम पहले ब्रैकेट हटाते हैं मॉड के अंदर, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो +12/25 हो जाएगा। मॉड को हम हटाएंगे तो संख्या हमेशा प्लस में लिखते हैं निरपेक्ष मान। अब यहाँ का हल कर लेते हैं इधर वाला कि क्या होगा, तो देखिए ये मॉड से जब संख्या को हटाएंगे तो प्लस में 2/5 हो जाएगा और गुणे, यहाँ देखिए ये मॉड के अंदर माइनस माइनस +6/5 हो जाएगा, माइनस माइनस +6/5, मॉड हटाएंगे तब भी प्लस में 6/5 ही रहेगा, थोड़ा सा गुणा में तो सॉल्व करेंगे, 2 का 6 में गुणा करेंगे, ऊपर का ऊपर में गुणा तो 12/ नीचे का नीचे में गुणा 25। दोनों साइड में देखिए 12/25 इधर भी आया है, 12/25 इधर भी आया है, तो हम यहाँ क्या भर देंगे, दोनों साइड बराबर है तो बराबर भर देंगे। इसको देखते हैं 12 और 8 का लॉसा, तो 12 और 8 का लॉसा होता है 24, 8 से भाग करेंगे 24 में तो 3 बार में जाएगा, 3 का माइनस 3 में गुणा -9, यहाँ प्लस लिखेंगे, 12 से 24 में भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 का 1 में गुणा 2 लिखेंगे, और सॉल्व करते हैं। एक प्लस एक माइनस में होता है तो घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं, तो माइनस है +2 है -9 है, तो बड़े वाले का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 9 में 2 जाएगा 7/24। अब हम जानते हैं कि जब मॉड को हटाते हैं तो चिन्ह हमेशा प्लस होता है, तो 7/24 हो जाएगा। इधर का सॉल्व करके देखते हैं, 3 संख्या दिया प्लस माइनस में तो लॉस लेंगे 2, 4 और 8 का, तो लॉस हो जाएगा 8 ही मॉड में, 2 से भाग करेंगे 8 में तो 4 बार में जाएगा, 4 का माइनस 1 में गुणा -4, प्लस 4 से 8 में भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, 2 का 3 में गुणा 6, प्लस 8 से 8 में भाग करेंगे 1 बार में, 1 का 1 में गुणा 1, तो मॉड में ही लिखेंगे। ये देखिए 2 प्लस में 1 माइनस में, तो 6 और 1 जोड़ेंगे 7, 7 में से 4 जाएगा तो 3/8, मॉड हटा लेंगे तब भी 3/8 प्लस में रहेगा। इधर 7/24 है, इधर 3/8 है, तो हम लोगों को चेक करना है दोनों बराबर तो है नहीं, छोटा बड़ा कौन है, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, ये 24 नीचे का बराबर करते हैं, अपने तरफ से गुणा करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 जिससे चाहेंगे, माइनस में भी कर सकते हैं, लेकिन बराबर में देखिए 24 है यहाँ, तो इसको 24 करना है तो हमको 8 3 24 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से ऊपर भी दोनों में करते हैं गुणा, नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 3 9/8 3 24।
और इधर 7/24 है, उधर हो गया 9/24। तो ऊपर वाला देखते हैं तो 9 बड़ा है, मतलब ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 8 नंबर जो क्वेश्चन है, यदि एक्स इक्वल 5/9 वाई इक्वल 2/3 तो दिखाइए कि, दिखाइए कि का मतलब होता है सत्यापित कीजिए या सिद्ध कीजिए। अब ये होता क्या है, देखिए ये पहला क्वेश्चन और दूसरा, एक में दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो करना क्या है, बराबर की इधर और बराबर की इधर दोनों तरफ का हमको सॉल्व करने पर उत्तर सेम आना चाहिए, बराबर ही आना चाहिए, वही होता है दिखाना या सत्यापित करना। मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला भी और राइट हैंड साइड दोनों का उत्तर बराबर आना चाहिए इसमें भी। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ x और y का वैल्यू दे दिया, तो जहां x और y है वहां वहां उसका वैल्यू रख लेंगे। देखते हैं कैसे, जैसे मान लीजिए दिया हुआ है यहाँ मॉड में x प्लस वाई, तो मॉड में x का वैल्यू क्या है 5/9, तो x के जगह पर हम रख देंगे 5/9 प्लस है तो प्लस, y के जगह पर हम लिख देंगे क्या 2/3 इक्वल लगाएंगे। यहाँ इधर भी ऐसे लिखना है, ये अलग अलग मॉड को किया ये कहीं में है, तो मॉड में हम लिखेंगे x का मान है कितना 5/9 प्लस y की जगह पर हमको लिखना है 2/3 मॉड में ही। अब इसको हमको सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। तो ये मॉड के अंदर दो क्वेश्चन, जब मतलब दो संख्या एक से ज्यादा देगा संख्या, तो उसको लॉसर लेके मॉड के अंदर ही सॉल्व करेंगे तब बाहर करेंगे। यहाँ दोनों मॉड अलग अलग दिया, तो पहले मॉड से निकाल लेंगे तब सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं इसका हम लोग मॉड में ही लॉसर लेके सॉल्व करेंगे। हमको चेक क्या करना है, दिखाना क्या है कि बराबर के दोनों तरफ का उत्तर सेम आएगा, बराबर आएगा। तो देखते हैं 9 और 3 का लॉसर लेंगे हम, तो 9 होगा, 9 से 9 में भाग करेंगे एक बार में जाएगा, 1 का 5 में गुणा करेंगे तो 5, यहाँ प्लस है। 3 से 9 में भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। यहाँ पहले मॉड से संख्या को हटाएंगे, हमेशा प्लस में लिखते हैं यहाँ भी। अब देखिए हम लोग जानते हैं दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे, मॉड में हो जाएगा 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11/9 मॉड में बराबर। यहाँ भी हम लॉस लेके हल करेंगे तो 9 और 3 का लॉस 9 होगा, 9 से 9 में भाग करेंगे एक बार में जाएगा, 1 का 5 में गुणा 5 प्लस 3 से 9 में भाग करेंगे 3 बार में जाएगा, 3 का 2 में गुणा 6। यहाँ देखिए मॉड से अब हम संख्या को हटा लेंगे तो 11/9 ही होगा बराबर। यहाँ भी दोनों को जोड़ते हैं तो 11/9, देखिए दोनों साइड हमारा बराबर आ गया है 11/9 11/9। तो यही हमको दिखाना था, यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट करते हैं ये राइट होता है, इक्वल राइट हैंड साइड, यही हमको प्रूफ करना था, सिद्ध करना था, दिखाना था। तो हो गया, इसको देखते हैं। यहाँ भी बराबर के दोनों तरफ दिया हुआ है, तो मान हम रखेंगे यहाँ से x का और y का, और दोनों तरफ का हल करके देखेंगे बराबर आना चाहिए। तो x का वैल्यू हम रखेंगे मॉड में 5/9 इंटू वाई का वैल्यू 2/3 दिया हुआ है, तो यहाँ 2/3 लिखेंगे, इक्वल का चिन्ह है तो लगाएंगे। अब देखिए x का वैल्यू फिर से हम रखेंगे मॉड, y का वैल्यू हम रखेंगे 2/3 मॉड में ही। अब सॉल्व करते हैं बारी बारी से, तो यहाँ हम लोग जानते हैं सब, ये हल करना पीछे पड़ चुके हैं पिछले अभ्यास में, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये गुणा में दिया ऊपर का, ऊपर में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5 गुना 10/9 का 3 में गुणा 27 मॉड में बराबर। इधर देखते हैं पहले मॉड से हटाना पड़ेगा, प्लस में ही संख्या लिखा जाता है, यहाँ भी 2/3 ही होगा तब गुणा करेंगे,
यहाँ से मोड हटा सकते हैं, प्लस में 10 बटे 27 हो जाएगा बराबर, यहाँ भी 5 दुना 10 बटे 9 तीन के 27, तो दोनों साइड हमारा बराबर आ गया है, इसलिए लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। यही हमको प्रूफ करना था, यही सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो चुका है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, तो 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि x इक्वल 15/13 y इक्वल -2/11 तो दिखाइए कि, दिया है क्या, दोनों का x y का वैल्यू दे दिया है और यहाँ दिया हुआ है मॉड में दोनों तरफ क्वेश्चन दिया है, बड़ा छोटा का चिन्ह लगाया है, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाया है, तो इसमें भी हमको क्या करना है, दिखाना है, मतलब जैसे यहाँ दिया है यहाँ बराबर नहीं दिखाना है, इसका कहने का मतलब दो मुंह वाला हमेशा बड़े की तरफ रहता है, इधर छोटा, तो हम जब वैल्यू रख के साफ करेंगे ये दोनों साइड, तो इधर का हमारा बड़ा आना चाहिए इसके हिसाब से और इधर का छोटा आना चाहिए, तब हमारा ये सिद्ध होगा। यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें बराबर दिया, मतलब इधर का भी बराबर, इधर का भी बराबर आएगा, लेकिन यहाँ बराबर नहीं लाना है दोनों तरफ, यहाँ देखिए बड़ा छोटा दिया है, इधर वाला बड़ा आना चाहिए, इधर वाला छोटा आना चाहिए, तो देखते हैं हम, तो मॉड को लिखेंगे, एक्स दिया, एक्स का वैल्यू 15/13 लिखेंगे, प्लस वाई का वैल्यू दिया -2/11, मॉड लगा देंगे, यहाँ देखिए ये वाला प्लस है और ये y का वैल्यू -2/11 ये हमने लिखा है, तो हम जानते हैं दो चिन्ह एक पास रहेगा तो उसका गुणा होता है, पहले इसको भी लिख लेते हैं, ये ऐसे लगाएंगे, x का वैल्यू मॉड में लिखा हुआ है तो हम मॉड में लिखेंगे कितना, 5/15 है, 15/13 प्लस लगाएंगे, ये मॉड में y लिखा है तो y का वैल्यू -2/11 लिखेंगे। अब देखते हैं यहां सॉल्व करते हैं मॉड लगा के, हम लोग जानते हैं कि जब संख्या ऐसे लिखा हुआ है दो चिन्ह एक पास है तो दोनों का गुणा कर लेते हैं, तो यहां पहले लिखेंगे 15/13 प्लस और माइनस का गुणा -2/11, यहाँ जब दो संख्या एक पास चिन्ह वाला लिखते हैं तो ब्रैकेट भी लगा के लिख सकते हैं, बिना ब्रैकेट का भी लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे चिन्ह लगाएंगे, ये मॉड से हटाएंगे जब संख्या को, तो 15/13 प्लस में ही निकालते हैं, ये प्लस, यहाँ से देखिए मॉड जब हटाते हैं तो संख्या माइनस में है लेकिन हमेशा प्लस में हो जाता है, निरपेक्ष मान आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए सॉल्व करते हैं, जब यहाँ ये संख्या परिमेय संख्या प्लस माइनस में हो तो हम लोग जानते हैं कि लॉसर लेके ही सॉल्व किया जाता है, तो लॉसर लेते हैं नीचे वाले संख्याओं का मॉड के अंदर ही लिखेंगे, तो 13 और 11 का जब लॉसर लेंगे तो हो जाएगा 143। तो अब देखिए क्या करते हैं, 13 से 143 में भाग करेंगे तो 11 बार में जाएगा, 11 का इस 15 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 165। माइनस 11 से 143 में भाग करेंगे तो 13 बार में जाएगा, 13 का 2 में गुणा करेंगे तो 26 होगा। आगे देखते हैं, एक संख्या प्लस एक माइनस में रहता है तो घटाते हैं, हम लोग जानते हैं चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगता है, बड़ा प्लस है तो इसलिए प्लस में ही घटाएंगे, जब 165 में 26 तो कितना होगा 139 और बटे 143 नीचे है, मॉड हटा लेंगे तो संख्या को हमेशा प्लस में ही लिखेंगे, तो 139 बटे 143 ऐसे लिख दिया हमने, इधर का भी सॉल्व करना है ऐसे सब लगा लेंगे, तो देखते हैं यहाँ भी 13 और 11 का जब लॉसर लेंगे तो हो जाएगा
तैतालीस 13 से भाग करेंगे 11 बार में जाएगा, 11 का 15 गुणा करेंगे तो 165 प्लस 11 से 147 में भाग करेंगे 13 बार में जाएगा, 13 का 2 में जब गुणा होगा तो 26 हो जाएगा। दोनों संख्या प्लस में है यहाँ तो जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और 5 11 को 1, हासिल 1, 6 2 8 1 9 और 1 191 अपान 143। तो हम लोग देखते हैं यहाँ आया है 139 बटे 143 और यहाँ 191 बटे 143। तो नीचे का जब बराबर होता है 143 143, तो ऊपर का देखते हैं ये 139 है 191, तो बड़ा है 191, तो देखिए ये दो मुंह वाला 191 के तरफ ही लगा हुआ है। तो हमको यही सिद्ध करना था, यहाँ देखते हैं इधर का छोटा इधर का बड़ा, तो देखेंगे भी यहाँ तो इधर का छोटा इधर का बड़ा आया है, तो हमको यहाँ लिख देना है क्या, इसलिए आंसर में अब लेफ्ट हैंड साइड अब बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड छोटा है इधर वाले से राइट हैंड साइड से। इसको देखते हैं, यहां मॉड में लिखा हुआ है एक्स इंटू वाई, तो एक्स का वैल्यू रखेंगे 15/13 इंटू वाई का वैल्यू रखेंगे -2/11। यहाँ इक्वल है तो इक्वल लगाएंगे, यहाँ इक्वल का मतलब दोनों साइड हल करने पर बराबर ही उत्तर आना चाहिए। एक्स का वैल्यू मॉड में रखेंगे 15/13 यहाँ इंटू, फिर मॉड में वाई का वैल्यू रखेंगे -2/11। तो देखते हैं यहाँ साल्व करते हैं, हम लोग जानते हैं साल्व करना, ये कटने वाला है नहीं तो ऊपर का ऊपर में गुणा कर देंगे। तो 15 का -2 में पहले चिन्ह का गुणा करते हैं, प्लस माइनस का माइनस, 15 दूना 30 बटे 11 का 13 में जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 143 बराबर। यहाँ मॉड से पहले संख्या को हटाएंगे, जब अलग अलग है तो गुणा नहीं कर सकते हैं, गुणे माइनस में से जब संख्या को हम हटाएंगे तो हो जाएगा प्लस में 2/11 जब मॉड हटाएंगे तो। अब यहाँ देखते हैं मॉड को हटाना है, तो मॉड जब हटाते हैं तो संख्या प्लस में लिखते हैं तो 30/143 होगा बराबर, यहाँ भी गुणा करेंगे तो 15 दूना 30, 13 का 11 गुणा 143। तो हम देखते हैं जैसे यहाँ से हमको दिखाना था बराबर दोनों तरफ, तो बराबर दोनों तरफ आ गया, तो ये हमको सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, देखते हैं ये हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 10वां और लास्ट क्वेश्चन है इस अभ्यास का। तो इसमें देखते हैं दिया है ऐसी दो परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 1/2 है। तो इसमें कुछ हमको हल नहीं करना है, केवल उत्तर लिख देना है, दो ऐसा परिमेय संख्या बताना है जिसका निरपेक्ष मान +1/2। तो हम लिख सकते हैं अगर -1/2 लिखा तो इसका भी निरपेक्ष मान जब निकालते हैं हम लोग मॉड लगा के तो +1/2 ही होता है। तो यही कह रहा है कि दो ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका निरपेक्ष मान 1/2 हो। तो एक हो गया -1/2, -1/2 का निरपेक्ष मान भी 1/2 होगा, और एक लिख सकते हैं हम लोग +1/2, +1/2 का भी निरपेक्ष मान 1/2 ही होगा। तो हमको दो परिमेय संख्या पूछना है, मतलब ये दो परिमेय संख्या पूछा है तो हमको बताना है, तो एक -1/2 एक +1/2 लिख देंगे, दोनों का निरपेक्ष मान 1/2 ही होगा, यही आंसर हो जाएगा। ये अभ्यास आपका ख़त्म हुआ। तो आप लोग वीडियो को ऐसे ही पढ़ाई करने के लिए शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, फिर आगे देखेंगे।